हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। दिस इज तुम्हें जायंट। आज हम आ चुके हैं कुफरी में और मैं आप सभी को आज दिखाने वाला हूँ कि कुफरी में हम जाते हैं तो साइट सीन तो है ही यहाँ का काफ़ी फेमस चीज़। और अभी गर्मी का टाइम है तो स्नोफॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कुफरी में अपने होटल से निकल चुका हूँ कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए। तो मेरे को यहाँ पे कहा गया कि एप्पल गार्डन है जिसके अंदर एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, तो मैं उसी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी गाइस वीडियो में बने रहे, वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको मैं सारे इसके सब कुछ बताऊंगा। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे आके मुझे डीएम करें, मैं आपको कोशिश करूँगा मतलब अच्छे से गाइड कर सकूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं फिर आगे की ओर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये एक्टिविटी जहाँ पे करवाई जाती है, और ये देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टोर्स मिल जाते हैं जहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हो, और मैंने टिकट परचेज कर लिया है। ये अप्रॉक्स 1500 पर पर्सन मिला है जिसमें आपका हॉर्स राइडिंग इंक्लूड है एंड 6 एक्टिविटीज़ है। और ये हॉर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। नीचे आप देख लोगे बारिश की वजह से इतना ज़्यादा मर्ड है, वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि आज बारिश नहीं हुई है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होता है। ये यहाँ पे एक कोई फार्म है कुफरी फार्म करके, इसमें मेरे को नहीं पता जाते कैसे हैं कहाँ से हैं, बस देखा। अगर आपको जाना होगा या आप सोचते हो तो वहाँ जाके एक बार आप पूछ लेना किसी से, बिकॉज मैं नहीं गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं पहले एक्टिविटी कर लिया जाए। बाकी वेदर आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब अच्छा वेदर है यहाँ पे, आराम से आप आ सकते हो, 2-3 दिन थोड़ा चिल कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, तो अब हम घोड़े पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये लोग कैसे ले जा रहे हैं पकड़ पकड़ के। डर मेरे को बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे हॉर्स राइड कर रहा हूँ, वैसे इसे हॉर्स तो नहीं कहेंगे, एक टाइप का खच्चर है। तो एक और डर होता है कि कहीं ये गिरा ना दे, क्योंकि आप देख रहे हो कितना स्लो चल रहे हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा थके, और ये एक साथ 3-3, 4-4 घोड़े लेके जा रहे हैं। ये देखो मेरे आगे भी चल रहे हैं, ये देख रहे हो कैसे, ये देखो मेरे पीछे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डर रहता है। और उसके बाद ये भी नहीं देखते कि किस में लग रही है, कोई घोड़ा तेज भाग रहा होता है कोई स्लो भाग रहा होता है, तो आपको हल्की बहुत चोटें तो आ सकती है। तो इसमें जब भी आप हॉर्स राइड करें थोड़ा सा ध्यान से संभल कर। और मैं ये इसी के साथ यहाँ पहुँच गया, अप्रॉक्स 20 मिनट मुझे लगा है यहाँ तक आने में। और यहाँ से अब मैं एक टिकट लेना पड़ेगा आपको 10 रुपीज़ पर पर्सन। और ये मैं अंदर आ चुका हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे खाने के लिए आपको रिफ्रेशमेंट के लिए सब कुछ है अवेलेबल। यहाँ का आप जो एप्पल जिसके लिए फेमस है वो भी मिल जाएगा। यहाँ पे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ है लाइक जेवलिंग एंड ये शूटिंग एंड बॉल फुटबॉल से, एंड वो कुछ सर्कल सा होता है जो फेंका जिसमें आपका आ गया वो इनाम आपका, तो ये सब भी आपको मिल जाएगा। चलो तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा और जल्दी से ऊपर की ओर चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या है। सुना है यहाँ पे एक मंदिर भी है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले टेंपल चलते हैं, फिर वहाँ से एक्टिविटी के लिए, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। इसी के साथ देखो, अगर आपको यहाँ से कुछ भी यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। और ड्रेस से मुझे याद आया कि जैसे मैं मनाली ब्लॉग्स में दिखाया था कि हिमाचली ड्रेस पहन के आपको फोटो क्लिक करवाना है, तो वो भी आई थिंक 100 या 200 रुपये पर पर्सन होता है। वो साइड में, बिल्कुल साइड में जब आप जाओगे आपको दिख जाएगा, या आप किसी से भी यहाँ पूछ लेना, लोग बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल अच्छे से आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे। देखो मैं आ चुका हूँ इसी के साथ नाग मंदिर। यहाँ पे सुना है कि शिव जी एक शिवलिंग है एंड एक माता का भी टेंपल है। तो ये देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं पहले माता के टेंपल, और अब हम जा रहे हैं अंदर नाग मंदिर जो शिव जी का यहाँ पे टेंपल है उसके लिए। ये रहा श्री नाग मंदिर, और अब इसी के साथ अब हम दर्शन कर चुके हैं। और यहाँ से देखो ये सारा एप्पल गार्डन है, ये जितना भी आपको अंदर दिखेगा सब एप्पल गार्डन है। और यहाँ पे अगर हम एडवेंचर एक्टिविटी के बाद बात करें तो एक और एक्टिविटी है वहाँ भी, वो भी एडवेंचर एक्टिविटी होती है, ये रहा कुफरी फन वर्ल्ड। यहाँ पे आप फन कर सकते हो गो कार्टिंग और जो भी इतने बहुत सारे टाइप के यहाँ पे है। मैं तो अंदर गया नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही में गया जो एप्पल गार्डन के अंदर था, एडवेंचर एक्टिविटी हो रही है मैं उसी में जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा टाइम कम है। ये देखो ये है एप्पल गार्डन आपका, ये जितने वाइट ऐसे नेट से लगे पड़े हैं सारे एप्पल्स हैं। अभी तो यहाँ पे नहीं मिला मेरे को एप्पल, बट ठीक है।
चलो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बज चुका है। हमारे घोड़े वाले ने कहा था कि भैया जल्दी आ जाना, क्योंकि मेरा घर बहुत ही दूर है, ऐसे जंगलों में रहता हूँ, 10 किलोमीटर ऐसा समथिंग। ये देखो एप्पल गार्डन एडवेंचर पार्क एंड फूड डेस्टिनेशन, अंदर खाने भी मिल जाएगा। तो चलो ये मेरी पहली एक्टिविटी। और ये मेरी सेकंड एक्टिविटी है, ये बैलेंसिंग रोप है। तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बाकी आप देखो एक बार, बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा कोई भी एक्टिविटी करें तो अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें, देख लें सारे लॉक्स लगे हुए हैं सही से या नहीं, अदरवाइज ये रिस्की हो सकता है काफी। और ये मैं अब वापस आ रहा हूं धीरे 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 धीरे। सबसे ज्यादा मेहनत और डर मुझे इसी में लगा और किसी में नहीं। बाकी गाइस वीडियो में बने रहें, अभी तो सेकंड एक्टिविटी है, 4 एक्टिविटी और है। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर आएं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ जा चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इसी के साथ हमारा ये बर्मा ब्रिज है ये आपका ये 3rd एक्टिविटी है। ये तो बहुत इजी था, ये तो बस ऐसी मजे में हो गया। तो देखिए आप, तो अब हम जाते हैं अपने 4th एक्टिविटी की ओर। ये है आपका नेट क्लाइंबिंग या कमांडो क्लाइंबिंग भी कह सकते हो इसको। अब ऊपर जाके मैं बिल्कुल ऐसे नीचे फ्री फॉल गिरूंगा, बाकी वो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बचा लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं। ये अब आया, छोड़ू मैं लटक गया, अब ये लोग छोड़ेंगे, छोड़ दो भाई। ये आया अब छोड़ दो, नीचे आ गया। ये हम आ चुके अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के, और ये 5th एक्टिविटी है लैडर क्लाइंबिंग। यहाँ मेरे से पहले एक लेडीज थी, लेकिन मेरा भी नंबर आएगा। देखो मैंने तो ये बहुत जल्दी किया था, इसमें भी फ्री फॉल फेंक देते नीचे, खैर बहुत मजा आता है। देखिए बस 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 गिरने वाला हूं मैं, और ये इसी के साथ हमारी 6th एक्टिविटी वैली क्रॉसिंग। ये मेरे को सबसे अच्छा सबसे मजेदार लगा था, पहले से जाना है पूरा एफर्ट लगा के और फिर आना है बिल्कुल रॉकेट की स्पीड में। ये आ गया मैं, ये। और इसी के साथ हमारी सारी एक्टिविटी गाइस खत्म हो। बाकी मैं अब अपने होटल की ओर जा रहा हूँ। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, ओवरऑल ठीक था, लेकिन 1500 देने लायक कुछ नहीं था। तो गाइज अगर आप चाहते हो ऐसे कहीं भी जाना या फन करना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप मनाली जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा पसंद नहीं आया। यहाँ पे कुछ भी मतलब ठीक है, ऐसा मैन मेड है, ओके टाइम पास करने के लिए ठीक है, बट अगर आप चाहोगे कुछ ऐसा हट के कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करें तो बेकार है। तो मैं तो आपको बोलूँगा मनाली या कहीं और चले जाओ, कुल्लू चले जाओ, वो बेस्ट है। बाकी गाइस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या कुछ पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जरूर वहाँ पे पिंग करें। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।